एमपी में दलितों से फिर छुआछूत। भेदभाव कब तक सहन करेंगे? हमारा मान सम्मान है कि नहीं? उनकी राजनीति सही है, जब तक हमारे घर में आके खाना खा लेंगे ये। भंडारे में दलितों को अलग बैठाया। नौकरी चाहिए तो एससी/एसटी का प्रमाण पत्र इनके पास है, और अगर नहीं तो अलग बैठेंगे ये। अब कहां गई हिंदू एकता? मंदिर में नहीं जाते हैं, बोले ये कि हमारा मंदिर है, तुम्हारा मंदिर नहीं है। सारे हिंदू एक हैं, ये नारा देने वाले हिंदुओं ने बता दिया कि दलित हिंदू नहीं है, क्योंकि अगर दलित हिंदू होते तो सवर्ण उनके साथ बैठकर खाने से इनकार नहीं करते और दलितों के लिए अलग से खाने का इंतजाम भी नहीं करना पड़ता। मध्य प्रदेश में फिर से दलितों के साथ छुआछूत का मामला सामने आया है। कहने को तो भारत में कानूनी तौर पर छुआछूत बंद हो चुकी है, लेकिन एमपी के सीहोर जिले के अमलाहा ग्राम में आज भी छुआछूत की जा रही है। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक यहां मंगलवार को आयोजित भंडारे में सवर्ण और दलित समाज के लिए अलग अलग टेंट लगाकर भोजन कराया गया। दलित समाज के लोग जब भंडारे में प्रसाद खाने गए तो उन्हें अलग बैठने को कहा गया। इसी को लेकर कुछ दलितों ने विरोध किया। भंडारे में जातिवाद हो रहा है, यहाँ अलग अलग टेंट में अलग अलग उसी काले अलग खाना खा रहे हैं और एससी/एसटी को अलग खाना खिलाया जा रहा है। ये भेदभाव कब तक सहन करेंगे? हमारा मान सम्मान है कि नहीं? उनकी राजनीति सही है, जब तक हमारे घर में आके खाना खा लेंगे ये। और आज जहाँ मान सम्मान की बात होती है करते हैं ये कौन? अगर इनको नौकरी चाहिए तो एससी/एसटी का प्रमाण पत्र इनके पास है, और अगर नहीं तो अलग बैठेंगे ये कौन सी बात? मंदिर में नहीं जाते हैं, बोले कि हमारा मंदिर है, तुम्हारा मंदिर नहीं। जानकारी के मुताबिक ये मामला अमलाहा गांव का है, जहां भंडारे के दौरान दलित और सवर्णों को अलग अलग बैठाकर भोजन कराया गया था। गांव के दलित समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि उनको अलग टेंट में बिठाकर भोजन कराया जा रहा है, जबकि सवर्ण समाज के लोगों को अलग टेंट में भोजन दिया जा रहा है। दलित समुदाय के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर दलित समाज के लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जीवन सिंह नाम के दलित युवक ने बताया, मैं ऐसी समाज से आता हूं, गांव अमलाहा में हनुमान जी का भंडारा हो रहा है, उसमें बलाई, चमार और बसोड़ जो एससी में आते हैं, इन लोगों को अलग बैठाकर खाना खिलाया जा रहा है और जातिवाद भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्या हम हिंदू नहीं हैं? जब हमने आपत्ति जताई तो उन्होंने कहा कि आपको आना हो तो आओ, वरना मत आओ। दलित युवकों ने आरोप लगाया कि कथित ऊंची जाति के लोग उनसे बोलते हैं कि अगर आपसे चंदा लेंगे या गेहूं लेंगे तो बजरंगबली बाबा और भंडारे का अपमान होगा, वो हमें अछूत कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि भंडारे में सब साथ खाएं और मंदिर में हमें जाने दिया जाए। हमें मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, पहली सीढ़ी पर ही हमें नारियल और अगरबत्ती देना पड़ता है। हमारे वोटों का गलत इस्तेमाल करके सब लोग को अलग अलग डिवाइड करके ये लोग ये चाहते हैं कि इन लोग को ऐसा डिवाइड रखा जाए ताकि ये लोग कभी एक नहीं हो और अपने अपने हमारे नीचे दबे रहे। वोट डालो शासन की ये प्रथा कई समय से चल रही है और अब जाके हम लोग जगे हैं और हमें मंदिर पर भी नहीं जाने देते साहब। अगर हम मंदिर पर जाएंगे ना तो मैं जो सबसे पहली सीढ़ी है वहाँ से हमें पंडित जी को नारियल और अगरबत्ती देना पड़ता है, ये हमारे को चढ़ा दीजिए और उसकी प्रसाद ला के दे दीजिए। तो पंडित भी पता है श्रीमान जी हमें जैसे दूर से प्रसाद और उसके वो। हालांकि चौकी प्रभारी ने इससे इनकार किया है। चौकी प्रभारी अविनाश भोपले का कहना है कि वहां टेंट तो अनेक लगे हैं, लेकिन छुआछूत जैसी कोई बात सामने नहीं आ रही। एमपी एक ऐसा राज्य है जहां जातिवाद चरम पर है। सवाल उठता है कि अब वो लोग क्या कहेंगे जो दलितों को चुनाव के वक्त हिंदू बताते हैं, और वो नेता अब क्या कहेंगे जो खाना खाने के लिए दलितों के घर जाते हैं लेकिन उन्हीं के समाज के लोग दलितों को अपने साथ बैठाकर खाना खिलाना भी पसंद नहीं करते। सवाल तो हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों से भी है कि आप एक ऐसा गांव तो बना नहीं सकते जहां सभी लोग बिना भेदभाव के साथ रह सकें, और आप पूरा देश हिंदुओं का बनाने का सपना देखते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा काम पसंद है तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB0000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।